पालक पनीर। पालक पनीर एक अमेजिंग डिश है, खास करके ये विंटर सीजन में। आजकल तो हर मंथ में पालक अवेलेबल होता है, बट हर सीजन में उगे हुए सब्जी जरूर खाना चाहिए। ऑफ सीजन का सब्जी थोड़ा अवॉइड करें, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। और आज का रेसिपी में भरपूर मात्रा में आपको न्यूट्रिशन प्रोटीन मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन यानी स्मितिस किचन। पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले पानी को गर्म कर लें। यहाँ पे 500 ग्राम पालक है। अब गर्म पानी में पालक को डालें। पालक को हमें उबालना नहीं है, इसे ब्लांच करना है। मतलब गर्म पानी में 2 to 3 मिनट्स रख के इसे ठंडा यानी चील आइस वाटर में डुबाना है। ऐसे करने से पालक का जो कलर है और न्यूट्रिशन है वो बरकरार रहता है। पालक ठंडी हो गई है, अब इसे एक स्ट्रेनर में रख दें। सबसे पहले एक पैन ले, पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालें, तेल को गर्म कर ले और इसमें डालें 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा चटकते ही डालें प्याज एक बड़ा सा कटा हुआ, 14 से 15 लहसुन की कली डालें, 1 इंच कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च आपका टेस्ट अनुसार और टमाटर चॉप्ड डालें और इसको अच्छे से मिला लें। अब इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालें। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ इसका कच्चापन निकल जाए इतना ही पकाएं। अब एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर दें और इसके साथ डालें पालक को जो हमने पहले तैयार करके रखे थे। अब इसका एक पेस्ट बना लें। मैं पानी नहीं डाली हूँ, आपको ज़्यादा ठीक लगने से थोड़ा पानी डाल सकते हो। देखिए हमारे ग्रीनी पेस्ट तैयार हो गया, एकदम परफेक्ट। अब एक पैन में 1 टेबलस्पून बटर ले और यहाँ पे 400 ग्राम पनीर है, बड़ा सा क्यूब कटा हुआ, इसे डाल दे। पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करे, जस्ट सौते करे और 2 से 3 मिनट तक सौते करके निकाल लेना है। पनीर को पलट दे, 2 से 3 मिनट तक ही पैन में पनीर को सौते करे, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाएगा। इस टिप्स को ध्यान में रखिएगा, पनीर कच्चे भी यूज़ कर सकते हो, बट बटर में पनीर को थोड़ा सौते करने से उसका टेस्ट उभर के आता है। अब उसी पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालें, आप बटर भी यूज़ कर सकते हो। अब एक बोल में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, बट ध्यान से पहले हम लोग हरी मिर्च यूज़ किए थे। और इसमें थोड़ा सा पानी डालें और एक अच्छा सा मिक्सर बना लें। अब इस मिक्सर को उसी पैन में डाल दें, अच्छे से मसाला को भून लें। ऑयल निकलते ही अब जाएगा हमारा ये पालक। अब इसे हमें कुछ देर तक ही भूनना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हम लोग प्याज लहसुन टमाटर को पहले ही पका लिया था। अब इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून नमक डालें, नमक आपका टेस्ट अनुसार डालें। अब इसमें जाएगा फ्रेश क्रीम, क्रीम का बदले घर का जमा हुआ मलाई भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। क्रीम को अच्छे से मिला लें, अब पनीर को डाल दें। और कवर करके 2 मिनट तक पकाएं लो फ्लेम में। 2 मिनट हो चुके हैं, इसे देखिए हमारे पालक पनीर तैयार हो गया है। इसे बनाने में हमें बहुत कम टाइम लगा और मेहनत भी कम लगा। अब हम इसका प्लेटिंग करेंगे, गार्निशिंग करेंगे फ्रेश क्रीम देके। ऊपर में एक बटर क्यूब डालें और गरम गरम रोटी के साथ परोसिए। एंजॉय दोस्तों। और हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।